अब तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहने पर मजबूर हो गया है कि गोस्वामी जी तुम बहुत भोसड़ी वाले हो। भक्तों का तो अलग ही टेंजेंट भी चल रही है, जो चैट जो 500 पेज की अमर गाथा जो है, हाँ, जिसमें जो चैट हुई है उसमें मुझे भी एक चीज का डाउट है। मुझे कभी कभी लगता है ये चैट नकली है, ये बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि इस चैट में दो बंगाली आपस में बात करे और बंगाली में नहीं, इंग्लिश में। इंडिया में ये जो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल नहीं है। अरे गोस्वामी जी यार तुम कितने क्यूट हो यार, तुमने पाकिस्तान को सफेद चिट दे दी, पाकिस्तान को बिल्कुल निकाल बार किया, अपनी एजेंसियों को बिल्कुल फेल कर दिया, अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाते बढ़ाते अपनी पजामियां गीली करवा ली गोस्वामी जी। हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। चैनल पे बैठ के दूसरे लोगों की वीडियोस ऑडियोस लीक करने वाले की आज खुद लीक हो गई, पजामियां गीली हो गई भैया। अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई जिसमें उसने मोदी का पालतू कुत्ते होने का पूरा पूरा सबूत दिया था। अब वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से अर्नाब गोस्वामी मोदी के लिए काम करता रहा, आरएसएस के लिए काम करता रहा, किस तरह से इलेक्शन में मोदी को जितवाने में अर्नाब गोस्वामी ने पूरा पूरा हाथ बटाया। हराम गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है वो 500 सफ़े की है भैया। अब जब हम पाकिस्तानियों को वो चैट मिल गई तो भैया हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि यार हम अपने दूसरे भाइयों को उसके बारे में बताएं कि उस चैट में क्या है। अरे भैया उस चैट के अंदर साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि भैया अर्नाब गोस्वामी मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाने में टॉप टॉप था और इस भोसड़ी वाले को सब चीज़ों का पहले से पता चल जाता था। अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इसने मोदी सरकार के पकौड़े लगवा दिए। अब मोदी सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई है। आपको बता दें कि जो चैट सामने आई हुई है उसके अंदर पार्थोदास गुप्ता को अर्नब गोस्वामी 3 दिन पहले ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है। इंडिया की बेचारी मासूम आवाम जो हर वक्त गाती रहती थी सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक, अरे भैया वो फर्जिकल स्ट्राइक थी। अर्नाब गोस्वामी गुप्ता जी से गुफ्तगू कर रहे थे स्ट्राइक होने से बहुत पहले कि भैया हम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, बहुत तबाही होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान का, फर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, बस मोदी सरकार की वाह वाह हो जाएगी और हमारी इंडियन आवाम खूब बेवकूफ़ बनेगी, हमारी भी वाह वाह हो जाएगी, अर्नाब गोस्वामी भी बहुत मशहूर हो जाएगा। अर्नाब गोस्वामी ने इस इंफॉर्मेशन को बीएआरसी के एक पूर्व सीईओ को शेयर कर दी और ये बीएआरसी का पूर्व सीईओ अब टीआरपी स्कैम में जेल के अंदर बंद है, यानी कि एक आरोपी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। और गोस्वामी जी की चैट में ये भी बहुत साफ साफ देखा जा सकता है भैया कि बालाकोट हमले का बहुत पहले ही पता चल गया था, इस भोसड़ी वाले को पता था, अरे एक छोटे से अदना से कारिंदे को पता था, तो इंडियन आर्मी इंडियन जो फोर्सेस हैं उनको क्यों नहीं पता चला। इसको चैनल पे बैठे बैठे सब चीज़ों का पता चल गया है लेकिन इंडियन की जो इंडिया वालों की एजेंसीज हैं उनको पता नहीं चल गया कि बालाकोट पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। देखो यार ये है इंडिया, यानी कि कुछ लोग जो कहते हैं कि ये न्यू इंडिया है जिसके न्यूज़ एंकर को हर चीज़ का पता चल जाता है लेकिन उस मुल्क की जो एजेंसीज हैं जो खुफिया एजेंसीज उनको नहीं पता चलता, उनके बीचों बीच धमाका हो जाता है और इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा फौजी निकल लेते हैं। 500 पेज की बस इतनी छोटी सी गुफ्तगू की उसने, है ना अगला अंगला दीदी, तो क्या की यार कुछ लोगों से उसमें से बात की है, बड़े बड़े लोगों से अगर बात कर ली, थोड़ी सी इंटरनेशनल डील की बात कर ली, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात कर ली, तो आप सब लोग उसको उसको एजेंट बोल रहे हो, एजेंट बोल रहे हो, एजेंट सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है दलाल, वर्ड भी ठीक से बोलिए आप लोग। वाह गोस्वामी जी तुम तो बहुत होशियार निकले हैं, मुसलमानों को लड़वा रहे थे, हिंदू और मुसलमानों को लड़वा रहे थे, कश्मीर के ऊपर बातें करवा रहे थे, बहुत भोसड़ी वाले निकले तुम तो, हैं तुम तो बहुत होशियार निकले, हम तो तुम्हें समझते थे तुम बिल्कुल चूतिया हो लेकिन तुम तो बहुत बड़े खोटिया हो, लुके पट्टे चैनल पे बैठ के लड़ाइयां करवा रहे हैं, मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वा रहे हैं, लोगों की वीडियो लीक कर रहे हैं, लोगों की बातें लीक कर रहे हैं। अब तेरी ये व्हाट्सएप जो लीक हुई है अब तेरी बेटा पूरी 100% लीक होगी और तेरी जो सरकार है ना इस वक्त उसकी भी पूरी की पूरी लीक होगी। हम पाकिस्तानियों को सफेद चिट मिल गई कि हम पाकिस्तानी बिल्कुल अच्छे हैं, इंडिया से बहुत अच्छे हैं। मीम्स बना रहे लोग, कुछ भी मीम बना रहे हैं,
ये क्या मीम हुआ कि वो मार्क जकरबर्ग बोल रहा है कि बाबू मेला बाबू गुच्छा है। अरे गोस्वामी जी यार तुम कितने क्यूट हो यार, तुमने पाकिस्तान को सफेद चिट दे दी, पाकिस्तान को बिल्कुल निकाल बाहर किया, अपनी एजेंसियों को बिल्कुल फेल कर दिया, अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाते बढ़ाते अपनी पजामिया गीली करवा ली गोस्वामी जी। ये कोई तरीका है, ये कोई चीज है क्या? और ये क्या मीम है कि रिया चक्रवर्ती बोल रही है कि थोड़ा चैट चैट साढ़ा चैट एविडेंस। अब तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहने पे मजबूर हो गया है कि गोस्वामी जी तुम तो बहुत भोसड़ी वाले हो, तुम तो हिंदू और मुसलमानों को लड़वा रहे थे, अपनी TRP बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हारी पजामिया गीली हो गई, अब तुम्हारे चूतड़ भी लाल होंगे, पुलिस खूब तुम्हारी फेंटी लगाएगी, तुम्हें अंदर करेगी और हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कर दे, तो गोस्वामी फिर क्या होगा? गोस्वामी तुम्हारे चैनल का क्या होगा? गोस्वामी तुम्हारी इज्जत का क्या हो गया? तुम्हारे इज्जत के तो पकौड़े लग गए गोस्वामी जी, हम पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। लोगों का की मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और अर्बन को वैक्सीन मिला, अर्बन को वैक्सीन नहीं मिला, गलत वर्ड है, अर्बन को बम्बू मिला है, वैक्सीन नहीं मिला है, कुछ भी मत बोलो आप लोग। क्योंकि पूछता है पूरा भारत, पूछता है पूरा इंडिया कि गोस्वामी को किसने दिया डंडा, किसने गोस्वामी को किया नंगा, व्हाट्सएप वालों ने। व्हाट्सएप वालों भैया सलाम है आप लोगों को, हम कहते थे पिछली वीडियो में बोले थे कि व्हाट्सएप डिलीट कर दो, सारे लोग डिलीट कर दो, गोस्वामी ने नहीं सुना, वो भोसड़ी वाला वैसे ही चैटिंग करता रहा, खुद तो गया लेकिन अपने साथ बहुत बड़े बड़े लोगों को भी ले गया, मोदी सरकार को भी ले गया, RSS वालों को भी ले गया और मोदी के गुलामों को भी ले गया। बहुत मज़ा आया भैया, बहुत मज़ा आया। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। भक्तों का तो अलग ही टेंजेंट भी चल रही है, जो चैट जो 500 पेज की अमर गाथा जो है, हाँ, जिसमें जो चैट हुई है उसमें मुझे भी एक चीज़ का डाउट है, मुझे कभी कभी लगता है ये चैट नकली है, ये बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि इस चैट में दो बंगाली आपस में बात करें और बंगाली में नहीं इंग्लिश में। या तो चैट नकली है या तो बंगाली नकली। आपने देखा होगा कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर दो बंगाली आपस में मिले तो वो लोग बंगाली में ही बात करेंगे, भले उसमें से एक बंगाली गूंगा क्यों ना हो। बहुत टैलेंटेड होते हैं बंगाली। मैं नहीं, देखो ट्रोल मत कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। देखो अपनी मातृभाषा यानी अपनी जमीनी भाषा से प्रेम, इसको बोलते हैं। और बंगालियों का टैलेंट आपको पता है, अगर दुनिया के किसी भी कोने में कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, कितनी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग क्यों ना हो, दुनिया के लोग अलग अलग भाषाओं में बात करें, अगर उसमें से एक बंगाली को पता चल जाए कि एक और बंगाली, तो मजा लेके किसी और भाषा में बात करे वो, ये होता है टैलेंट। और भक्तों को कितनी तकलीफ हुई कभी आप लोगों ने सोचा है? बेचारे भक्त इतनी श्रद्धा से इतनी भक्ति से उन्होंने अपना एक आदर्श माना, अपना एक जर्नलिज्म का एक देवता चुना, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उसकी जो है दिलेरी के किस्से उसके पोस्ट डालते थे, अभी आंसू बहा बहा के अपने पोस्ट ढूंढ ढूंढ के डिलीट कर रहे हैं, कभी उनका दर्द समझाया आप लोगों ने? एक भक्त के दिल पे क्या गुजरी पता है? लेकिन आज भी कुछ ठोस मजबूत दिल वाले भक्त हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चैट जो लीक हुआ वो गलत है, और अगर ये चैट हुआ भी है तो भी सही है, क्योंकि अर्बन ने अगर कुछ बोला है तो सोच के बोला होगा और देश के भले के लिए किया होगा, वो आज नहीं एक दिन जरूर पता चलेगा। इसे कहते हैं भक्ति, ये होती सच्ची भक्ति।